Hi everyone, I'm Dr. Vimi Bindra, consultant robotic and laparoscopic surgeon at Apollo Hospitals and Cope Clinics, Hyderabad. आज हम आपसे बात करेंगे कि क्या किडनी डैमेज हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस में. Yes, अगर आपका डिजीज एंडोमेट्रियोसिस किडनी में यूरेटर्स को इन्वॉल्व करता है या पैरामेट्रियम को इन्वॉल्व करता है तो आपका साइलेंट किडनी लॉस हो सकता है. इसलिए हम और भी ये जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि लोगों को एंडोमेट्रियोसिस के बारे में पता हो, क्योंकि इसमें साइलेंट ऑर्गन लॉस बहुत कॉमन है. तो दो फेनोमेना हैं जिसकी वजह से आपका किडनी डैमेज हो सकता है. एक है कि पेशेंट्स को बहुत दर्द होता है, एडिनोमायोसिस भी है, एंडोमेट्रियोसिस भी है, और मल्टीपल पेन किलर्स डेली लेते हैं तो उसकी वजह से आपका रीनल फंक्शन चले जाता है तो आपको डायलिसिस का भी ज़रूरत पड़ सकता है. क्रिएटिनिन बहुत हाई हो सकता है, रीनल फंक्शन टेस्ट एबनॉर्मल आते हैं. ये हमको यूजुअली प्री सर्जिकल टेस्ट जब करते हैं तो हमें समझ में आता है. दूसरा मैकेनिज्म है कि जो एंडोमेट्रियोसिस है, जिसको हम डीप एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, जो कि मोर देन 5 मिलीमीटर इन्वॉल्व करती है पेरिटोनियल सर्फेसिस को, ये अगर आपके यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स को इन्वॉल्व करता है या एक एरिया जिसको हम पैरामेट्रियम बोलते हैं, जहाँ से यूरेटर ट्रैवल करता है ब्लैडर की तरफ, अगर ये उस एरिया को इन्वॉल्व करता है तो ये यूरेटर के ऊपर कंप्रेशन डालता है. और कभी कभी, वेरी रेयरली, ये इंट्रिंसिक डिजीज भी हो सकता है यूरेटर का. जब वो कंप्रेशन डालते रहता है तो यूरेटर थोड़ा फूलने लगता है, किडनी थोड़ा फूलने लगती है, और दूसरी किडनी उसको कंपनसेट करने के लिए उसमें कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी हो सकती है. इस प्रॉब्लम में अगर आप टेस्ट करेंगे, रीनल फंक्शन टेस्ट, ये नॉर्मल आते हैं, तो इसके लिए हमको रीनल फंक्शन टेस्ट जानने के लिए DTPA स्कैन करना पड़ता है, जिसको सिंटीग्राफी भी बोलते हैं. उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि आपका फर्दर ट्रीटमेंट क्या होगा. इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंडोमेट्रियोसिस का जब भी आप इमेजिंग कराएं, अल्ट्रासाउंड है तो एक्सपर्ट अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट के पास जाएं, नहीं तो एंडोमेट्रियोसिस एक्सपर्ट के साथ जाएं, या फिर MRI है तो उसको ध्यान से पढ़ा जाए, जिसमें कि हम यूरेटर का कोर्स भी ट्रेस करें और किडनीज को भी देखें. तो अगर आपके किडनीज अफेक्टेड हैं, यूरेटर डायलेटेड है, और अगर आपका किडनी फंक्शन टेस्ट एबनॉर्मल आया है, तो ये दो कारण हैं जिसको हमें रूल आउट करना है. एडिनोमायोसिस पेशेंट्स मोस्टली, उनको बहुत पेन होता है और सालों तक पेन किलर्स लेते हैं, जिसकी वजह से इस प्रकार का किडनी डैमेज हो सकता है. एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट्स में मोस्टली ये साइलेंट किडनी लॉस होता है, आपको पता भी नहीं चलता है कि रीनल फंक्शन एकदम रिड्यूस हो गया है, क्योंकि आपके जो ब्लड टेस्ट हैं, जो ब्लड वर्कअप है, वो नॉर्मल होता है. इसके लिए हम हमेशा स्ट्रेस करते हैं कि आप एंडोमेट्रियोसिस एक्सपर्ट्स के पास जाएं, जिससे हम उसका सही टाइम पे सही इलाज कर सकें और आपकी किडनी को भी सेव कर सकें. तो अगर आपको पेन है, पेनफुल पीरियड्स हैं, यूरिन के टाइम पेन होता है, बावल मोशन के टाइम पेन होता है, या आपका एक्सीडेंटली भी एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज हुआ है, तो किडनीज और यूरेटर को ट्रेस करना बहुत ज़रूरी है, और इसके बारे में आपके डॉक्टर के साथ ज़रूर डिस्कस करें. धन्यवाद.